हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी फिजिक्स क्लासेस। आज आपको जो हमारी क्लास चल रही है इससे आगे कंटिन्यू चलते हैं। बिल्कुल मज़ेदार क्लास होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो कल पढ़ा था ना, एक रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी किस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। और रेजिस्टिविटी का एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया, और इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। ये हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब रेजिस्टिविटी के बारे में एक फॉर्मूला और पढ़ा था, रो एम एन ई स्क्वेयर और टाउ। ये हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में। आज थोड़ा सा मैं कुछ मटेरियल्स के बारे में बताना चाहूंगा, मैं क्लासिफाई करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि गोल्ड जो सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के लिए बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और कंडक्टेंस के लिए बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये बताया था। तो ये इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल है हमारे उनको रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में। क्या पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग इंसुलेटर के बारे में। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में लिख देते हैं, तो मैं दोबारा से पूरा लिख देता हूँ। पहले हम बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हमने लिखा, हम लिख सकते कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, दोज मेटीरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। ये तो हमने पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मैंने कहा था मेटीरियल को, क्या कहा था, मेटीरियल को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। भाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको क्लासिफाई करना है। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रेंज होती है, रेजिस्टिविटी है वो रेंज होगी, वो कितनी होगी, तो याद करिए 10^-8 ओम मीटर से लेकर 10^-6 ओम मीटर तक, ये रेंज है भाई। 10^-8 से लेकर 10^-6 मीटर तक, ओम मीटर तक, ये इसकी आपकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आपको बता चुका हूं मैं, ओम मीटर। तो 10^-8 से 10^-6, यानी कि बहुत कम होती है, ये कह सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, वेरी लेस होती है भाई। कंडक्टर की क्या होती है, वेरी लेस होती है, तो इसीलिए ये बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। क्योंकि आपको बताया था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी तो कंडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो कितनी होती है याद कर लेना, कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है 10^-8 से 10^-6 ओम मीटर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंसुलेटर की भैया, अगर हम उसके बाद में बात करें इंसुलेटर की, तो क्या होती है, दोज मेटीरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो जिसके अंदर कंडक्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाता है, आपका इंसुलेटर कहलाता है। रेजिस्टिविटी रेंज की अगर इसकी बात करें, रेजिस्टिविटी रेंज की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टिविटी रेंज होती है
10 की पावर 4 से ग्रेटर भाई, 10 की पावर 4 से ग्रेटर होती है भाई, 10 की पावर 4 से ग्रेटर, और ऐसा यूनिट लिख देना ओम में मीटर भाई, क्या होती है 10 की पावर 4 से ग्रेटर होती है, यहां तक क्लियर होगी, 10 की पावर 4 ओम मीटर इससे ग्रेटर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर, उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो मेटेरियल लें वो लेंगे हम सेमी कंडक्टर, दोज मेटीरियल हुज रेजिस्टिविटी, उज रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन यानी कि ऐसा मेटीरियल जिनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन, किसके बीच में, तो आंसर है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में भाई, इंसुलेटर ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई सेमीकंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी है लाई करे बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसको हम क्या बोलेंगे भाई सेमीकंडक्टर। अगर इसकी रेंज की बात करो, देखो ये इसके और इसके बीच में ना, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, ये है बताओ, तो सबसे जो बड़ा है ये नीचे की तरफ जा रहा है 10^-8, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है, तो यानी कि इनकी जो रेंज होगी 10^-6 से लेकर और इससे ऊपर वाले तो इंसुलेटर में चले जाएंगे, तो इसके बीच में भाई आ गई होगी समझ में बात, ये इसकी रेंज हो गई भाई, भाई 10^-6 से 10^-8 तक तो क्या है कंडक्टर है, इससे लेस देन वाले 10^-6 10^-8 तक ही होते लगभग, उसके बाद में इंसुलेटर 10^4 से, तो 10^4 और 10^-6 के बीच में जो रेंज होगी ये किसकी रेंज है, रेजिस्टिविटी रेंज है किसकी, सेमी कंडक्टर की, तो जो 10^-8 और -6 के बीच में है वो आपके कंडक्टर हैं, जो ग्रेटर देन 10^4 है वो आपके इंसुलेटर हैं, और जो 10^4 और 10^-6 के बीच के हैं उनको हम क्या बोलेंगे सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो हमने मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। अब क्या करना है हमें, अब जो हमने कल रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था उसी पे चलते हैं भाई, तो बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टर क्या चीज है। देखिए आज हम कार्बन के रेजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं मोस्टली, तो मैं पूछना चाहता हूं कि रेजिस्टर क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें रेजिस्टर की और रेजिस्टेंस की, दोनों में अंतर समझ लेते हैं एक बार, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टर और एक है रेजिस्टेंस भाई। आप कहोगे जी दोनों तो सेम ही है, तो भाई ये वो ही बात है जैसे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर क्या था, एक डिवाइस था, और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी थी कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता था। इसी प्रकार से रेजिस्टर है वो एक डिवाइस है, एक मटेरियल है, डिवाइस बोल दो या एक मटेरियल है ठीक है, और रेजिस्टेंस उस मटेरियल की क्या है प्रॉपर्टी है भाई। आ गया होगा समझ में दोनों में अंतर, रजिस्टर क्या है एक डिवाइस या मटेरियल है जो क्या करेगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रजिस्ट करने की, रेजिस्टेंस का मतलब जो रजिस्ट करे किसके फ्लो ऑफ करंट को, जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा रजिस्टेंस करेगा, तो वो प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है रजिस्टर के अंदर, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया रजिस्टर और रजिस्टेंस। अब हमें बहुत सारे रजिस्टेंस जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहां पर चार कलर दिख रहे हैं आपको रजिस्टेंस, जो आपको रजिस्टर यहां दिख रहा है कार्बन का रजिस्टर आपको दिख रहा है उसमें कितने कलर दिख रहे हैं आपको, आप फिगर में देख सकते हो, ये हमारा पास फिगर दिख रहा है आपको, इसमें चार कलर दिख रहे हैं, एक बैंड स्ट्रिप, दो बैंड स्ट्रिप, तीन बैंड स्ट्रिप और चार बैंड, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है, थर्ड और फोर्थ, ये चार कलर होंगे, फर्स्ट कलर इसको बोलेंगे फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर, थर्ड कलर और ये हो जाएगा फोर्थ कलर, इसको हम बोलते हैं टोलरेंस, क्या बोलते हैं भाई टोलरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो पहला और दूसरा ये है सीधे नंबर भाई, क्या है नंबर्स है, तो हमें चार चीजें याद होनी चाहिए, चार कलर आपको फिगर में दिख रहे होंगे, यहां जो फिगर आपको दिख रहा है उसमें आपको दिख रहे हैं चार कलर, के बाद में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको दिखनी है वो देखना है कि चारों में जो पहला और दूसरा होगा वो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन दो मिनट आप देखते रहिए कंटिन्यूसली, आपको पूरी चीज में क्लियर करवा दूंगा। पहला और दूसरा ध्यान से समझना, पहला और दूसरा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, चौथा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कहोगे जी इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैं एक टेबल बनाने वाला हूं, वो आप देखिए भाई, तो टेबल कैसे बनेगी, तो देखिए तो मैं यहां आपको फिगर हटा देता हूं, यहां से फिगर हटा दिया भाई, तो अब क्या करना है आपको, यहां पर सबसे पहले आपको टेबल दिख रही होगी, आपको टेबल आपके नोटबुक में होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी टेबल है, तो सबसे पहले आपको दिख रहे होगा यहां लिखना है अपने को कलर, क्या लिखना है कलर भाई, उसके बाद में यहां लिखना है फिगर, क्या लिखना है फिगर भाई, फिगर का मतलब जो पहला और दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इस फिगर में आएंगे,
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये उसके लिए भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के लिए फिगर। उसके बाद में थर्ड नंबर पे अपने को ले लेना है मल्टीप्लायर, थर्ड नंबर पे क्या लेना है मल्टीप्लायर, और उसके बाद में लेनी है टॉलरेंस, क्या लेनी है भाई चौथे नंबर पे टॉलरेंस। टॉलरेंस का कलर भी ले लेते हैं, दोबारा से कलर ले लेंगे टॉलरेंस का। देखिए तो शुरुआत करना है, आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, क्या ट्रिक रहेगी, बी 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 रोय, मैं यहां लिख देता हूं बी बी रोय, क्या लिखोगे बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हैव वेरी गुड वाइफ। दोबारा सुन लो, बी बी यानी कि बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, क्लियर हो गई, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन, मैं लिख देता हूं बीबी रोय ग्रेट, यहां क्या लिख दो जी का क्या लिखना है ट्रिक में याद रहे, ग्रेट ब्रिटेन हैड, हैड साइलेंट रहेगा, वेरी गुड वाइफ भाई, वेरी गुड वाइफ, ठीक है भाई, हैड वेरी गुड वाइफ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद कर लेना इसको। अब देखिए तो पहले बी का मतलब क्या होगा, याद करना है आपको, क्योंकि बी तीन है, बी तीन है इसमें, तो तीनों कलर के लिए रिप्रेजेंट करने बीबी रोय में, तो ब्लैक पहले वाले का मतलब है ब्लैक, तो लिखते चले जाइए ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन हो गया, ब्लैक ब्राउन, आर से हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा भाई रेड, ओ से हो जाएगा ऑरेंज, क्या हो जाएगा ऑरेंज, क्या हो जाएगा भाई ऑरेंज, वाई से हो जाएगा येलो, क्या हो जाएगा येलो भाई, जी से हो जाएगा ग्रीन, क्या हो जाएगा भाई ग्रीन, उसके बाद में बी से हो जाएगा, देखो ब्लैक ब्राउन हो चुका है तो आएगा यहाँ पे ब्लू, क्या आएगा ब्लू, उसके बाद में आगे और बढ़ा लेते हैं इसको, टेबल जहां तक जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ब्लू हो गया, वी से हो जाएगा वॉयलेट भाई, क्या हो जाएगा वॉयलेट, जी से हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन पहले आ चुका है सॉरी भाई, तो क्या आएगा ग्रे, और उसके बाद में डब्ल्यू आगे आ गया तो वाइट भाई, डब्ल्यू एच आई टी वाइट, तो यहां तक ये टेबल आपकी तैयार हो जाती है। अगर मैं यहां से मिटा दूं इसको तो आप देख सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से याद हो गई। दोबारा सुन लो, बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। बाद में हम आगे अब इनके बारे में यहां तक क्लियर हो गया होगा, कलर्स के बारे में आपको पता लग गया होगा, तो आप देख सकते हो यहां पे आराम से इजीली। ठीक है तो अब हम बात करते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए भाई तो ब्लैक ब्राउन ये सारे कलर हो चुके, अब फिगर, तो यहां से शुरू करना जीरो से भाई, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, नाइन तक की गिनती होगी, जीरो से लेकर नाइन तक किन फिगर में होंगी भाई। मल्टीप्लायर में तो दस की पावर जीरो, दस की पावर वन, दस की पावर टू, दस की पावर थ्री, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। टॉलरेंस में क्या आएगा, टॉलरेंस है ना लास्ट वाला होता है, ये बताता है टॉलरेंस मींस क्वालिटी को बताता है, क्या बताता है भाई क्वालिटी, कि जो आपका जो मटेरियल है जो रजिस्टर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में बताने का काम कौन करता है, चौथा जो कलर बैंड होगा, जो आपको चार फिगर मैंने आपको दिखाई थे कि पहले दो दो कलर हो गए, वो क्या दिखाएंगे नंबर्स को फिगर को दिखाने के लिए, तीसरे नंबर पे मल्टीप्लायर को और चौथे नंबर पे टॉलरेंस को दिखाने के काम में आएगा, टॉलरेंस मींस क्वालिटी को दिखाने के काम में आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी टॉलरेंस में भी कलर होते हैं, तो देखिए भाई तो टॉलरेंस के कलर क्या होगा, तो यहां तक हमने ट्रिक पढ़ी थी बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, यहां तक लिख लिया था। उसके बाद में एक ट्रिक और लगा लेना इसी के आगे, वियरिंग, क्या लिखोगे वियरिंग, मतलब पहन रखा है गोल्ड सिल्वर और नेकलेस भी, नेकलेस क्या बताया, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, उसके बाद में करोगे वियरिंग मतलब पहन रखा है गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये तीन कलर है हमारे पास, गोल्ड सिल्वर और नेकलेस, तो मैं लिख देता हूं कलर में, गोल्ड, गोल्ड कलर होता है सोने का, फिर उसके बाद में क्या होता है सिल्वर,
और फिर नेकलेस में नो कलर, नेकलेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो कलर भाई, कोई कलर नहीं है। चांदी का जैसा कलर होता है आप लोगों ने देखा, नो कलर मतलब जिसपे कोई कलर नहीं हो। टॉलरेंस मीन्स क्वालिटी, किसके बारे में बता रहे थे हम, क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी कितनी हो जाएगी भाई, यहां लिखना है प्लस माइनस 5%। गोल्ड अगर कलर दिख जाए तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर दिख जाए तो प्लस माइनस 10%, और अगर नहीं कलर हो तो 20% भाई। तो सबसे बेकार वही होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, यानी कि उसके क्वालिटी ये है प्लस माइनस 20% का इफेक्ट आ रहा है उसमें। क्लियर होगी, यानी कि प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 5% है तो हल्का फुल्का ही इधर उधर, प्लस का मतलब ऊपर या माइनस का नीचे, 5% का ऊपर नीचे चलेगा, इसमें 10% का ऊपर नीचे चलेगा और इसमें 20% का। तो इसीलिए गोल्ड वाला बढ़िया माना जाता है भाई। अब हमने ये टेबल पूरी याद हो गई होगी, सिर्फ एक ट्रिक है और पूरी की पूरी टेबल आपकी तैयार है। ये कार्बन रजिस्टर की, कार्बन रजिस्टर की टेबल है, जिससे हम क्यों होता क्या है कि जो हमारे जो मैंने आपको अभी रजिस्टर दिखाया था उसमें वैल्यू छोटा रजिस्टर होता है, छोटे छोटे से, तो उनमें क्या होता है कि इतने बड़े कलर हम दिखा नहीं पाते हैं, इतना हम लिखते नहीं है, तो उन्होंने कोडिंग चला दी, इसको बोलते कलर कोडिंग। क्या बोल दी, कलर कोडिंग। तो अभी कलर कोडिंग की बात करें, कलर में आपको मिलेगा, अब कलर को देख के आपको पहचान में आना चाहिए। अगर ये टेबल आपको समझ में आ चुकी है तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ भी कह रहा हूं ये कि अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए टेबल आपको मैं साइड में मिटा नहीं रहा, आपको एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां लिख दिया कि एक रजिस्टर है, या आपके पास एक रजिस्टर है इस तरह का, ये रजिस्टर है भाई, इसमें चार कलर है, इसमें चार कलर है हमारे पास। मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से हैं। ये कलर है, कलर को दिखाने के लिए मैं कलर का यूज कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 भाई, ठीक है। ये चार कलर है भाई हमारे पास, जैसे कि बताया था रजिस्टर में मैक्सिमम चार कलर या तीन कलर मिलेंगे। नो कलर मतलब कोई कलर नहीं होगा, तो तीन मिलेंगे और नहीं तो चार मिलेंगे। मान लो पहला है भाई ब्लू, क्या है, पहला है ब्लू, दूसरा है रेड, तीसरा है येल्लो, और चौथा है भाई गोल्ड, चौथा है गोल्ड भाई। क्लियर हो गई, चौथा सिर्फ क्वालिटी को दिखाता है, बता देता हूं मैं, क्वालिटी को दिखाता है। अब ऐसा मिल जाएगा आपको, आपको दे रखा होगा एक न्यूमेरिकल में कि एक रजिस्टर है उसके अंदर ब्लू रेड येलो और गोल्ड कलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू बताइए भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बताइए। देखो ब्लू है ना, तो देखिए पहला और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर क्या है, सिर्फ ऐसे कैसे उतार लेना। देखो ब्लू का है, देखो ब्लू को पकड़िए, ब्लू 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 ब्लू, ये रहा ब्लू, कितना है भाई ब्लू, कितने नंबर पे है, 6 पे, तो मैं लिख देता हूं 6। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या, रेड, देखो रेड का है, ये रहा रेड, रेड कितने नंबर पे है, 2 पे, तो मैंने लिख दिया 2 भाई, कितना लिख दिया 2, यहां तक क्लियर हो गया। देखो ब्लू, ब्लू कितना है, 6, तो मैंने 6 लिख दिया, रेड कितना है, 2, तो 2, फिगर खत्म हो गया। तीसरे नंबर पे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब गुणा, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा का सिंबल, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे येलो, येलो पकड़िए, येलो, ये रहा येलो, येलो का भी क्या लिखोगे, 4, गलत जवाब, अरे बेवकूफो, येलो है ना, मल्टीप्लायर में जाओ ना, ये रहा मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर ले रहे हो। तीसरे नंबर पे क्या होता है भाई, आपको बताया था मल्टीप्लायर, आगे समझ में, चलिए उसके बाद में मल्टीप्लायर की बात कर रहे थे, येलो येलो येलो, ये 10 की पावर 4, क्या लिख देता हूं, 10 की पावर 4। अगला क्या है, गोल्ड, गोल्ड का क्वालिटी को दिखाने वाला है, यानी कि टॉलरेंस, गोल्ड, गोल्ड का कितना है, प्लस माइनस 5%, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 5%। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, चलो एक और कर लेते हैं, और देखिए दूसरे नंबर पे, चलो ऐसे ही कार्बन रजिस्टर है, मान लो पहले पे रेड है, ब्लू है, उसके बाद में ग्रीन है, और फिर है आपका सपोज कर लो नो कलर, कोई कलर नहीं है, सीधा लिख रखा रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, इसका आंसर बताइए, सोच के देखिए, आपके पास टेबल है, टेबल देख के आप बता सकते हो। चलो पॉज करके वीडियो को आप करके देखिए, और फिर मैं थोड़ी देर में करवाने वाला हूं, फिर मिला के देखिए सही आ रहा है नहीं आ रहा। चलो मैं करवा देता हूं, पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, करके भी देख लिया होगा, रेड ब्लू और ग्रीन। देखिए भाई रेड में, रेड पे चाहिए, रेड पे कितना है, 2, ब्लू पे कितना है, ब्लू 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 ब्लू, ये रहा 6। देखो भाई पहला और दूसरा कलर को सीधा मल्टीप्लाई मतलब सीधा का सीधा फिगर लिखना है, लिख दिया। तीसरे नंबर पे जो कलर आता है, ये फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, और ये थर्ड कलर, थर्ड कलर वाला मल्टीप्लायर में चले जाता है, तो मल्टीप्लायर में ग्रीन, ग्रीन का है ये 10 की पावर 5, कितना है, 10 की पावर 5। अगला तो कलर है ही नहीं, एक मिनट, प्लस माइनस 20% भाई, क्योंकि नो कलर के लिए कितना है, प्लस माइनस 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं आपके लिए,
चलो भाई आप खुद करके जरूर देखना है। अब आपको दो क्वेश्चन करवा दिए सेम इसी टाइप के, चलो और कर लेते हैं। चलो बुक में से देख लेते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन हमारे पास मिल जाएगा बुक में। तो हमारे पास है येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो 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 वॉयलेट ब्राउन गोल्ड भाई, ये बुक में है, ये करके दिखाइए भाई। वॉयलेट आपको दिख रहा होगा यहां पे, वॉयलेट येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड करके दिखाइए भाई, फटाफट इसका आंसर बताइए। करा भाई तो देखिए इसका आंसर, देखिए येलो येलो कहां है, ये रहा चार पे, तो चार लिखो। वॉयलेट कितने नंबर पे है, सात पे। देखो पहला और दूसरा सीधा फिगर में ढूंढना है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी पहला कलर और दूसरा कलर इसमें दिखना है फिगर में। तो कितना लिख दिया, 47 लिख दिया। तीसरे नंबर वाला हमेशा मल्टीप्लायर होता है, तीसरे नंबर वाला यहां आता है मल्टीप्लायर में, तो मल्टीप्लायर में तीसरे नंबर वाला कहां आता है, मल्टीप्लायर में। ब्राउन 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 आपको ये रहा ब्राउन, ये कितने नंबर पे, 10^1 पे, 10^1, तो मल्टीप्लायर में 10^1। और गोल्ड वाले के लिए बता दिया था प्लस माइनस 5%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और कर लो भाई, एक और कर लो। आपके पास है, हमारे पास है, यहाँ पे एक आंसर है रेड रेड रेड, यहाँ पे तीनों में दे रखा है रेड 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 और सिल्वर भाई, ठीक है। ये आपको अपने को मेरे को कमेंट करके बताना भाई, क्या करना है, कमेंट करके इसको आंसर दोगे भाई, कमेंट करके इसका आंसर देना है। हर बच्चा आंसर देगा भाई, आंसर जरूर देगा हर बच्चा, जिसको नहीं आया है वो पता भी लग जाएगा मुझे किस किस को आ गया। रेड 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 सिल्वर, बिल्कुल आंसर देना है, कईयों को तो आ गया होगा समझ में। चलो आगे, अब ये तो हो गया, डायरेक्ट आपको कलर देगा। अब हो सकता है आपको कलर ना देके आपको पेपर में आपको वैल्यू दे दे और आपसे कलर पूछ ले, क्या दे दे, वैल्यू दे दे और कलर पूछ ले। जैसे कि वो दे दे आपको यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई में 10^5 प्लस माइनस 20% भाई। तो अगर ऐसी वैल्यू दे दे और आपसे पूछेगा फाइंड द कलर, कि जो कार्बन रजिस्टर है उसके ऊपर कलर कैसा करोगे, तो देखो 3 पे पहुंचिए, पहली और दूसरी संख्या मैंने क्या बताया था, फिगर होता है, तो फिगर वाले में देखिए तीसरी और चौथी, यानी कि ऑरेंज और येलो, पहले नंबर पे आएगी ऑरेंज, दूसरे नंबर पे आएगा येलो, तीसरे नंबर पे मल्टीप्लायर है 10^5, देखो 10^5 में क्या ग्रीन, और प्लस माइनस 20% मतलब कोई कलर नहीं है, ये इसका आंसर होगा। यहां लिख सकते हो नो कलर, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्या लिखोगे यहां पे, नो कलर, कोई कलर नहीं है, या ये तीन ही कलर है ऑरेंज येलो ग्रीन, नो कलर का मतलब कोई कलर है ही नहीं। चलो अगर ये आ गया, चलो एक और करते हैं। अगर मान लो यहां पे और दे रखिए आपको, सपोज करो 8/7 मल्टीप्लाई में 10^4 प्लस माइनस 5% भाई, इसका देखिए भाई, तो देखिए क्या करना है, 8 पे पहुंचिए, 8 क्या है देखो ग्रे, तो क्या लिखोगे भाई ग्रे, 7 पे क्या लिखा हुआ है देखो वॉयलेट, क्या लिखा हुआ है भाई वॉयलेट, मल्टीप्लायर में चलिए 10^4, ये 10^4 येलो, क्या है भाई येलो, और ये तो 5% का तो पता ही है क्या है गोल्ड। चलो होमवर्क सुनो फिर, कमेंट में करना आंसर, 90 10^2 प्लस माइनस 10%, ये आपको इसका कलर बताना भी, क्या बताना है कलर। ये दो आपको क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया, एक इससे पहले दिया था एक ये वाला, दोनों क्वेश्चन आपको करके जरूर दिखाने हैं भाई, तो पता लग जाएगा कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल यहां से बन जाता है। अब चलते हैं, ये जो रजिस्टर हमने पढ़ लिए, अब रजिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, रजिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं ना, अब इनको हमारे पास मेथड है, दो मेथड हम पढ़ेंगे इनको, सीरीज में जोड़ने वाला और पैरेलल में जोड़ने वाला। तो आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, आज आपको इसी टॉपिक के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और उससे पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको पुराने वाले को रिवाइज कर लेना, ज़्यादा आज की क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।